जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार इंजीनियर बीके गुप्ता कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, विकास होंगे। हाँ, बिहार एसएससी के कोर्स में हम लोग थोड़ा सा डिले कर दिए हैं, लेकिन चलिए कोशिश किया जा पा रहे। और हम आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में आप लोगों को कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस देने जा रहे हैं। तो दो चैप्टर इसमें देखा जाए तो एक प्रॉफिट एंड लॉस है और उसके बाद डिस्काउंट है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इसमें कवर कराएं और कराए हैं, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है बिहार एसएससी का, उसमें एक क्लास भी आपका ना छूटे, ठीक है ना। सॉरी, एक क्वेश्चन भी ना छूटे, पूरा 25 में 25 आप लोग स्कोर करें, ठीक है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने के पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि हम लोग का लाइव क्लासेस भी चलता है, एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन है, वहां से एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वहां से आप क्लास हमारा लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, पेड बैच भी चलता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही डालेंगे, ठीक है ना। तो वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आज का जो चैप्टर है हम लोग का, ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो सीपी समझिए। जैसे मान लीजिए किसी सामान का दाम, हम किसी सामान का सीपी 10 रुपया है, और सीपी माने कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है, अगर उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए कि 12 रुपया है, तो 10 रुपया का सामान अगर हम 12 रुपया में, 10 का सामान 12 रुपया में अगर हम लोग बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। भाई कितने का प्रॉफिट होगा, तो 2 का प्रॉफिट होगा, और ये 2 का प्रॉफिट होगा। और अगर परसेंट प्रॉफिट आपको निकालना हो तो परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इनटू 100। और इसे ध्यान में रखिएगा कि जब तक कहां नहीं जाए परसेंट प्रॉफिट सीपी पे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा कि परसेंट प्रॉफिट एसपी पे निकालिए, तो उस समय ये फॉर्मूला बदल जाएगा और उस समय फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई एसपी और गुणे कितना 100। देखिए, जब तक कहा नहीं जाए परसेंट प्रॉफिट की गणना हम लोग किस पर करते हैं, तो परसेंट प्रॉफिट की गणना हम लोग करते हैं सीपी पर। लेकिन जब कह दिया जाए तो परसेंट प्रॉफिट की गणना बोला जाएगा कि एसपी पे कीजिए, तो एसपी पे करेंगे, ठीक है। बात आ रही समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए सब सही है। हेलो, हाँ तो चलिए ठीक है, इसके बाद समझिए आप लोग। और जब कहेगा कि एसपी पे निकालिए तो बटा में एसपी आ जाएगा। वैसे ही परसेंट लॉस अगर निकालिएगा तो परसेंट लॉस बराबर होता है ना, लॉस ऊपर ले लीजिए, नीचे में सीपी ले लीजिए और गुणे 100 ले लीजिए। और जब क्वेश्चन बोलेगा कि लॉस जो है एसपी पे निकालिए, परसेंटेज लॉस एसपी पे, तो एल बटा एसपी हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब तक कहा नहीं जाए सीपी पे निकालते हैं, और जब बोल देगा क्वेश्चन में कि एसपी पे निकालिए, तो हम लोग किस पे निकालेंगे, एसपी पे निकालेंगे। बात आ रही समझ में, अब इसके बाद देख लीजिए आप लोग। तो ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इस एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ, और 2 का प्रॉफिट कितने के सीपी पे, तो 10 के सीपी पे। तो यहाँ पे 10 हम ले लेंगे, 1/10 का मतलब 1/5 होगा, और गुणे आप 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 20% आपका आ जाएगा। फिर से एग्जांपल को समझिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बोला कि सीपी हमारा 10 रुपया है, एसपी मान लीजिए कि 12 रुपया है, यानी 10 रुपया सीपी, एसपी 12 रुपया, तो यानी हम बोलेंगे 2 का प्रॉफिट। आप प्रॉफिट की गणना हमेशा सीपी पे करते हैं, तो बटा में 10 ले लेंगे और 1/5 हो जाएगा, और 1/5 का मतलब यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब इससे आगे देखिएगा आप लोग, इसी चीज को अगर मान लीजिए कि सीपी एसपी ऐसा दिया हो, सेम डाटा 10 और 12 दिया हो, आप क्वेश्चन में बोल दे कि परसेंट प्रॉफिट की गणना एसपी पर कीजिए, यानी कि ऐसा बोल दे कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट सीपी पे नहीं निकाला जाए, परसेंट प्रॉफिट
एसपी पर निकाला जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो बताइए कितने का प्रॉफिट होगा, दो का प्रॉफिट। और आपकी बार एसपी पर निकालना है तो आपकी बार हम बटा में 12 लेंगे और 2 बटा 12 का मतलब 1/6 होगा और 1/6 1/6 आप लोग जानते हैं ये होता है 16:2/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, बताइए हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है। वैसे अगर हम लॉस का बात करें, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम सीपी दे दिए 10 रुपया और अब की बार एसपी हमारा 8 रुपया है, यानी कि ये जो एसपी है ना अब की बार एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, यानी खरीदे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं कम में, तो आप फिर बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो लॉस हो जाएगा भाई। कितने का लॉस होगा, तो 2 का लॉस, और 2 का लॉस कितना के सीपी पे, 10 के सीपी पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5 और 1/5 का मतलब कितना परसेंट, 20%। वही अगर बोल दिया जाए कि परसेंट लॉस निकालिए, लेकिन परसेंट लॉस हमारे भाई अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो परसेंट लॉस निकालना है ये अब की बार आपको सीपी पे नहीं, अब की बार एसपी पे कैलकुलेट करना है एसपी पे, तो बताइए यहाँ पे लॉस कितने का, तो 2 रुपए का लॉस, तो ये 2 रुपए का लॉस हो रहा है। और ये जो 2 का लॉस है अब की बार किस पे निकालना है, एसपी पे कैलकुलेट करना है, तो बटा में हम कितना लेंगे, 8 लेंगे, और 2/8 = 1/4 होता है और 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है, तो 25% आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बात को अच्छे से समझिए, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है और ये आपको बहुत अच्छे से काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक पेन का 40 रुपए में बेचा जाता है, यानी एसपी बराबर 40 रुपया, ठीक है, विक्रेता को 9 रुपए का इसमें लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट बराबर कितना, 9 रुपया। आप ही समझिए इस मार्कर को अगर हम 40 में बेच रहे हैं, मन ही मन पूरा खुश है कि 9 रुपया का प्रॉफिट कमा लिए, 9 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिए, यानी 40 में बेचने पे खुश है कि 9 रुपया प्रॉफिट कमा लिए, तो आप ही बताइए सीपी क्या होगा, 40 रुपया में 9 रुपया तो प्रॉफिट है, यानी 31 रुपया हमारा क्या होगा, सीपी होगा, तो इसका आंसर 31 रुपया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहा है, एक आदमी एक रेडियो 1200 रुपया में खरीदता है और उसमें 300 रुपया अतिरिक्त खर्च करता है। तो देखिए रेडियो 1200 रुपया में खरीदा गया इसमें 300 रुपया और खर्च कर दिया। आप ही बताइए कोई पुरानी रेडियो हम खरीदे 1200 रुपया में रेडियो लाए और उसमें 300 रुपया अतिरिक्त खर्च कर दिए, तो इस रेडियो के वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने रुपया आपका खर्च हुआ, तो आप बोलेंगे कि मेरा जो है ना 1500 रुपया भाई खर्च हो गया, यानी रेडियो के चक्कर में 1200 तो खरीदने के समय दिए और 300 रुपया अतिरिक्त खर्च हो गया, कुल मिलाकर 1500 का खर्च हो गया, बताइए हुआ कि नहीं। इसके बाद उसने 1800 रुपये में इसको बेच दिया, यानी इसको बेच दिया कितने रुपये में, 1800 रुपये में, 1800 रुपये में बेच दिया, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट। देखिए जब कभी भी अगर आपको परसेंटेज लाभ निकालना हो, तो देखिए परसेंटेज लाभ में मान लीजिए कि अगर सीपी दिया हो और यहाँ पे एसपी दिया हो, जैसे मान लीजिए सीपी 10 दिया है एसपी 12 दिया है, तो आप पहले इसको कटा लीजिए, रेशियो बना लीजिए, इससे और इजी हो जाएगा, यानी 5 कर लीजिए यहाँ पे, 6 कर दीजिए, 1 का प्रॉफिट 5 पे, 1/5 = 20% प्रॉफिट आप कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, इस बात को समझा लीजिए आप लोग। तो जैसे यहाँ पे रेशियो अगर बनाइएगा तो बताइए 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा कितना बार में, 6 बार में, अगर हम बोले कितने का प्रॉफिट है तो 1 का प्रॉफिट कितने पे, 5 पे, और 1/5 = आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। देखिए आपसे बोला कितने परसेंट का लाभ है, तो भाई लाभ परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट, और अभी आपको समझाए थे कि परसेंटेज प्रॉफिट की गणना हम लोग किस पर करते हैं, सीपी पे, तो बटा में यहाँ सीपी लेंगे और 1/5 = आपका 20%, यानी 20% इज द राइट आंसर, हमारा राइट आंसर 20% है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं,
तो भाई 50,000 रुपये में खरीदते हैं, देखिए 50,000 में खरीदते हैं और इस मकान को 80,000 रुपये में क्या करते हैं, बेचते हैं। बेचते हैं कितना परसेंट का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकालिए। तो सबसे पहले रेशियो बनाइए, 4-0 से 4-0 कैंसिल। बताइए 5 रुपये का सामान 8 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट कमाए, 3 का। 3 का प्रॉफिट कितने पे, 5 पे भाई। अब अगर हम आपसे पूछे कि 1/5 बराबर कितना होता है, तो 20%। अगर हम आपसे बोले 3/5 बताइए, तो 3/5 बराबर कितना, 60%। तो हमारा आंसर 60% हो जाएगा। या इसमें 100 से आप गुणा कर दीजिए, 5 से जाएगा 20 बार में, और 20 में 3 से गुणा करिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। यानी आंसर हो जाएगा 60%। सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता तो। देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से समझिए, ठीक है ना। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए, 2/3 पर बेचा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख रहा है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यानी बेची जाती है मतलब एसपी, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है एसपी, यदि 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 उसे निर्धारित मूल्य के 2/3, 2/3 का मतलब हुआ ना, आपको हम परसेंटेज में भी बताए हैं कि जिससे कंपेरिजन होता है वो नीचे होता है, और जहां पे का लग जाए, के लग जाए, से लग जाए, इंग्लिश में ऑफ लग जाए, फ्रॉम लग जाए, इन लग जाए, उससे कंपेरिजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, यदि उस यदि उसे निर्धारित मूल्य के, यानी जो ये निर्धारित मूल्य है, निर्धारित जो मूल्य है, यहाँ देखिए निर्धारित जो ये मूल्य है, ये जो निर्धारित मूल्य है वो नीचे आएगा, निर्धारित मूल्य के 2/3, यानी निर्धारित मूल्य कितना है, 3। यानी पहले वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती थी, यानी पहले वस्तु 3 में बेची जाती थी, और अगर पहले वस्तु 3 में बेची जाती थी, एक निर्धारित मूल्य 3 में बेची जाती थी, अब उसे 2 ही में बेच दिया जाए, अगर उसे 2 ही में बेच दिया जाए, 2 रुपये में ही बेच दिया जाए, तो 10% की हानि होती है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जिस वस्तु को पहले 3 में बेची जाती थी, उस 3 को अब 2 में ही बेच दिया जाए, पहले 3 में अब 2 में बेच दिया जाए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाला जो केस है ना, ये वाला, इसमें 10% की हानि है भाई। पहले बेची जाती थी 3 में, अब अगर 2 में ही बेच दी जाए तो उसे 10% की हानि होती है। देखिए हानि की तुलना हमेशा सीपी पर होता है, तो यानी 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब ये हो जाएगा आपका 10% की हानि का मतलब 1/10 की हानि, 1/10 की हानि का मतलब ये सीपी 10 है, तो ये कितना है आपका, 9 है। यानी कि हानि का मतलब 10 से 9 है। तो अब अगर हमको ये 2 दिया है ना, तो इस 2 से अगर हमको इधर से इधर जाना है, बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे रेशियो 9:10 हो, आपको इधर से इधर जाना है, और यहाँ पे वैल्यू एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 10/9 से गुणा कर देंगे, अगर हम पीछे आएंगे इधर से इधर आएंगे तो 9/10, अगर आगे बढ़ेंगे तो बड़ा करना है तो 10, अब पहले 9 था, यानी x का 10/9 हम कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर ये 2 यूनिट है, अगर हमको सीपी निकालना हो तो 9 से 10 जाना है, तो 2 × 10 बटा कितना कर देंगे, 9। अब ये रेशियो निकल जाएगा, आप सब जगह 9 से गुणा कर दीजिए, 9 गुणा कितना, 18, यहाँ 9 से करेंगे खत्म हो जाएगा, ये तो 20 आ जाएगा, यहाँ नतीरी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब बात को समझा कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा, जब ये निर्धारित मूल्य पर बेचा जाएगा तो कितना का लाभ होगा, निर्धारित मूल्य कितना है, 3 का मतलब कितना, 27। यानी अगर हम 27 में बेचेंगे, 27 यूनिट में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ 20 में खरीदे हैं और 27 में बेच रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कितने का लाभ, 7 का, और 7 का लाभ कितने पे, 20 पे, आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 20 से जाएगा 5 बार में, 7×5=35, यानी हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 35%। सी इज द राइट आंसर। तो क्या समझे आप लोग, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे देखेंगे भाई, मन से एकदम समझिए आप लोग। देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60%, यहाँ बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, ये जो एसपी है ना, एसपी विक्रय मूल्य बराबर, ये जो क्रय मूल्य है ना सीपी,
क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य जो ये है वो क्रय मूल्य का 60% माने 3 बटा कितना है 5 है। इसका मतलब एसपी अपॉन क्या चीज सीपी, तो एसपी अपॉन सीपी 3 बटा 5 है भाई, ठीक है ना। अब बताइए 3 में खरीदे हैं सॉरी 5 में खरीदे हैं, इस वस्तु का सीपी 5 रुपया, तो वस्तु का सीपी 5 रुपया, एसपी कितना 3 रुपया, तो बताइए 5 रुपया का सामान अगर 3 रुपये में हम बेच रहे हैं तो बताइए प्रॉफिट की लॉस, लॉस 2 का लॉस, 2 का लॉस कितने पे, कितने के सीपी पर, तो सीपी हमेशा परसेंट प्रॉफिट या लॉस की गणना सीपी पे करते हैं, तो यहां नीचे में हम 5 लेंगे और ये हो जाएगा 40%, यानी 40% का लॉस हो जाएगा, तो 40% का लॉस हो जाएगा, प्रतिशत हानि 40%, ठीक है ना। अब ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि विक्रय मूल्य एसपी एसपी सीपी का, तो सीपी अगर 100% है ना भाई, सीपी 100% है ना, तो इसका एसपी 60% है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, रेशियो बना लेते, तो यहाँ 3 बोलते यहाँ बोलते 5, और आप बताइए वस्तु को खरीदे हैं 5 में बेच रहे हैं 3 में, तो 5 का सामान अगर 3 में बेचेंगे तो 2 का लॉस होगा, और 2 का लॉस कितने पे होगा 5 पे, तो 2 बटा 5 बराबर हो जाएगा कितना परसेंट, 40% का लॉस हो जाएगा, तो 40% आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, 40%। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यदि क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य का एसपी का, तो एसपी अगर 100 है ना, एसपी अगर 100 है जिससे तुलना होता है वो 100, एसपी 100 है ना, तो ये जो क्रय मूल्य है इसका 80% है, यानी सीपी 80% है, विक्रय मूल्य 100 है तो ये 80 है, रेशियो बना लीजिए, आप कहिएगा 4, ये कहिएगा कितना 5 कहिएगा, प्रतिशत लाभ बताइए 4 का समान 5 में, एक का प्रॉफिट 4 पे, 1 बटा 4 माने कितना 25% का प्रॉफिट, तो ये 25% का प्रॉफिट हो जाएगा भैया। चलिए आइए समझिए आप लोग, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सीपी है, सीपी देखिए सीपी एसपी का, एसपी का, एसपी का माने गुना, ये जो सीपी है सीपी वो किसका एसपी का 80%, 80% का मतलब 4 बटा कितना है 5 है, तो बताइए सीपी, आप सीपी अपॉन एसपी निकाल लीजिए, ये 4 बटा 5 आ जाएगा, बताइए खरीदे हैं कितना में 4 में, बेच रहे हैं कितना में 5 में, 4 का समान 5 में, कितने का प्रॉफिट 1 का, कितने पे 4 पे, और 1 बटा 4 माने हो गया कितना परसेंट 25%, तो आपका 25% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं जी, अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिख रहा है, एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम भार का प्रयोग करता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में वजन दे देता है, जैसे आप लोग जाते हैं ना दुकान, दुकान में जैसे जाते हैं आप लोग ना, तो वहां देखते होंगे, वहां देखते होंगे कि कोई कोई ऐसा दुकानदार होता है जो कि गलत वजन का प्रयोग करता है, आपसे बोलेगा कि 1 केजी दे रहा है, लेकिन 1 केजी की जगह पे आपको 1 केजी नहीं देगा, 960 ग्राम देगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने का तरीका क्या हो सकता है भाई, ठीक है ना, देखिए यानी 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह पे आपको कितना ग्राम दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना, यानी आपको देना है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह पे 960 ग्राम आपको दे रहा है, यानी कुछ चोरी कर दिया इसने, ठीक है ना, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा। तो याद रखना है कि जब कभी भी 1 ग्राम में दे दे, जब कभी भी 1 ग्राम में दे दे, तो याद रखना आप लोगों को एक परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, ठीक है ना, तो यहां पर लिख रहे हैं आर्टिकल लेफ्ट, आर्टिकल लेफ्ट और डिवाइड बाय होता है आर्टिकल सोल्ड, आर्टिकल सोल्ड, आर्टिकल लेफ्ट डिवाइड बाय आर्टिकल सोल्ड इनटू 100 कर दीजिएगा। तो एक बात बताइए 1000 ग्राम लाए 960 ग्राम बेचे, तो बची हुई वस्तु कितना है 40 ग्राम, इन दोनों का अंतर ले लेना 40 ग्राम, और ये भाई भाई आर्टिकल सोल्ड तो 960 ग्राम, तो यहाँ पे हम 960 ग्राम ले लिए, अब आप 40 कट जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 1 बटा 24 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए, 100 से अगर गुणा कर देंगे ना तो ये हो जाएगा बताइए कितना बार भाई, 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 6 चौका 24, 1 बटा कितना 6%, यानी 4 गुणांक 1 बटा 6 हो जाएगा आपका, तो 4 गुणांक 1 बटा 6 लगता है कि ये आंसर होने वाला है, ठीक है ना, 4 गुणांक 1 बटा 6 हो गया आपका,
क्या क्लियर? क्या तो क्या समझे आप लोग? कुछ नहीं करना भाई मैंने, ठीक है ना। देखिए आप लोग करना क्या है यहाँ पे कि जैसे बोला कि 1000 ग्राम की जगह पर, 1000 ग्राम की जगह पर जैसे बोला कि 960 ग्राम प्रयोग करता है, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होगा। देखिए ये ग्राम में दिया हुआ है, जब वजन वाला क्वेश्चन होगा ना मेरे दोस्त, वजन वाला ग्राम वाला, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आर्टिकल लेफ्ट ले लीजिएगा, आर्टिकल लेफ्ट ले लीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल लेफ्ट ले लीजिएगा आप लोग, आर्टिकल लेफ्ट, और यहाँ पे ले लीजिएगा आर्टिकल सोल्ड ले लीजिएगा, आर्टिकल सोल्ड ले लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब इनटू 100 कर दीजिएगा। तो देखिए ना आर्टिकल लेफ्ट कितना, 1000 ग्राम में से 960 ग्राम बेच दिया, तो 40 ग्राम बची हुई वस्तु, बची हुई वस्तु 40 ग्राम और बेची हुई 960 ग्राम, आप गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 4 से जाएगा कितना बार में, 24 बार में, कटा लीजिएगा उसके बाद, तो 4 से जाएगा 25 बार में, 4 से जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 4 6 24, यानी हो जाएगा 25 बटा कितना, 6 6 चौका 24, 1 बटा 6, यानी इतना परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको बनाने के लिए हम ट्रिक बताते हैं ना, इस चीज को हमेशा फॉलो करिएगा आप लोग, ठीक है, इस चीज को हमेशा फॉलो करिएगा। क्या करना है आप लोग को, इसको उलट के लिख देना है, 1 किलोग्राम और 960 ग्राम। देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम पहले है और 960 ग्राम क्या है, बाद में है। 1 किलोग्राम पहले है, 1 किलोग्राम के जगह पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो जितना प्रयोग करता है उसको पहले ले लीजिएगा 960, और किसके जगह पे, 1000 के जगह पे। उसके बाद आप रेशियो बना लीजिएगा आपका, ये कटा लीजिएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कितना, 25। अब आप इसको समझिए, सीपी है ये आपका एसपी है, मतलब रिवर्स करके लिख दीजिए, 1 किलोग्राम बाद में 960 ग्राम बेचता है या 960 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए 1 का प्रॉफिट 24 में, 1/24 बराबर हो गया आप लोगों को कितना हो गया, 4 × 1/6%, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक वस्तु की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, देखिए सीपी दिया है कितना बताइए, 11, आप विक्रय मूल्य कितना दिया बताइए, 9 दिया है, ठीक है ना, ऐसे दिया है, प्रतिशत हानि, तो ये तो बना ही लीजिएगा, 2 की हानि कितने पे, 11 पे, आप जानते हैं कि 1/11 बराबर होता है 9 × 1/11%, तो अगर हम आपसे 2/11 पूछेंगे तो 18 × 2 कितना हो जाएगा, 11%, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 × 2/11, ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, सारे लोग इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए तो क्या, जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट क्रम से 2100 और 3150 रुपए में खरीदे, पहले जैकेट को के परसेंट लाभ पर और दूसरे जैकेट को के परसेंट हानि पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए यहां पर लिखा है क्वेश्चन में कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है भाई, तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, एक बात तो समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज, यहाँ पे बोल रहा है कि 2100 रुपया पहला का मूल्य है भाई, 2100 रुपया पहला का मूल्य है, अरे 2100 रुपया पहला का मूल्य है और 3150 रुपया दूसरा का मूल्य है, दूसरा का मूल्य कितना है बताइए, 3150 रुपया, 3150 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में भाई यहाँ पे ऐसे दे रखा है आपका, यहाँ पे दिया है कि पहले जैकेट पे के परसेंट का लाभ, अरे के परसेंट लाभ का मतलब छोटा वाला वैल्यू बढ़ेगा, छोटा वाला वैल्यू बढ़ेगा, के परसेंट लाभ होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। और आप लोग बताइए यहाँ के परसेंट की हानि, दूसरे जैकेट पे ये जो बड़ा वाला वैल्यू है इस पे अगर हानि होगी तो इसका वैल्यू घटेगा, तो भाई बड़ा वाला घटेगा और छोटा वाला क्या होगा, बढ़ेगा, बड़ा वाला घटेगा और छोटा वाला क्या होगा, बढ़ेगा भाई, छोटे वाले सीपी पे प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, और बड़े वाले सीपी पे अगर लॉस होगा तो घटेगा, एक बार दोनों इक्वल हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में लिखा है कि के का मान, के की किस मान पे ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा, तो एक बात बताइए अगर हम बोले के परसेंट का लाभ, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, के परसेंट का मतलब कि के बटा 100 का लाभ, ठीक है ना, के बटा 100 का लाभ, तो यानी कि 2100 रुपया है और अगर 100 पे के का लाभ होगा तो क्या ये 100 प्लस के और बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई, 100 तो है ही ऑलरेडी, 100 पे k का प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस k हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉस होगा
यानी 100 रुपया तो है ही, और 100 में के का लॉस हो जाएगा, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इस बात को समझ रहे होंगे, कट जाएगा अब यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस के डिवाइड बाई, यहाँ पे ला देते हैं 100 माइनस कितना के लिख देते हैं, और यहाँ पे 315 डिवाइड बाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं 210 लिख देते हैं, 210 कटाइए तो देखिए 7 से कटेगा क्या, 7 चौक 28 3 बचा, 3 पे 5 7 5 6 35 आ गया, 7 3 का 21 आ गया, यानी 15 से कटाइएगा तो 15 3 45 और 15 2 30 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको गुणा भी कर सकते हैं या कंपोनेंट और डिविडेंड को डायरेक्ट लगा सकते हैं। मान लीजिए हम गुणा करते हैं तो 2 गुणे 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा यहाँ पे, आप प्लस क्या मिलेगा बताइए, 2k मिल जाएगा 2k, और यहाँ पे करेंगे आप लोग तो मिलेगा 300, माइनस कितना मिलेगा 3k इधर आएगा तो हो जाएगा 5k, 3k इधर आएगा तो 2k या 3k आएगा 5k, इधर हो जाएगा 300 में 200 जाएगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो मेरे दोस्त k बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो k का मान 20 हो जाएगा, तो k का मान आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके अलावा आप लोग कैसे और सोच सकते हैं, जब कभी भी एक छोटा वैल्यू दे एक बड़ा दे, छोटा वाला में उतना ही परसेंट के परसेंट बढ़ा दिया जाए प्रॉफिट हो जाए, और बड़ा वाला में घटा दिया जाए लॉस हो जाए इक्वल हो जाए, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करना है, ये छोटा वाला वैल्यू पहले ले लेना है, ट्रिक हम यहाँ बता देते हैं आपको, ट्रिक देखिए क्या करना आप लोग को। तो पहले तो यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू 2100 ले लीजिए, इन दोनों में छोटा है 2100 2100 ले लीजिए, 3150 बड़ा है उसको बाद में ले लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 7 से कटाइए तो 7 3 का 21 30, और 7 से जाएगा कितना बार में बताइए, तो 7 से जाएगा 7 चौक 28 45 बार में, फिर कटाइए 15 से 2 बार में 15 से 3 बार में। उसके बाद देखिए करना क्या आप लोगों को करना क्या मेरे दोस्त, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, दोनों का एवरेज, तो एवरेज बताइए 2 और 3 का एवरेज क्या होगा, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 2 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। अब रेशियो बना लीजिए, 2 से गुणा करिएगा तो ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, के निकालने के लिए ये आगे वाला भूल जाना है, छोटा वाला वैल्यू भूल जाना है, हमेशा बड़ा वाला वैल्यू देखना है। तो यानी कि ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना पे 5 पे, यानी हो जाएगा आपका कितना परसेंट 20% हो जाएगा। बात आ रही समझ में, तो हम क्या समझाएं, एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आपको कैसे करना है। आप सभी लोग देखिएगा, मान लीजिए ऐसा कहीं बोल दिया जाए, कहीं ऐसा बोल दिया जाए, ठीक है ना, बोला जाए कहीं भी ऐसा कि 37 को के परसेंट लाभ पर बेचने पर परसेंट बेचने पर, और 111 को के परसेंट हानि पर बेचने पर समान हो जाता है, बेचने पर क्या हो जाता है समान हो जाता है। तो बोला जाए कि के निकालिए, के का वैल्यू, तो क्या करना है आप लोगों को, ट्रिक आप लगा लीजिए। ट्रिक में क्या कीजिए भाई, सबसे पहले छोटा वाला 37 ले लीजिए, और उधर से क्या ले लीजिए बड़ा वाला कितना ले लीजिए 111, देखिए तो 3 बार में कट जाएगा, तो यानी 1 और 3 हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, तो 1 प्लस 3/2 कर दीजिए, यानी एवरेज बताइए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे वाला भूल जाना है, पीछे वाला बताइए कितने का प्रॉफिट, 1 का कितने पे 2 का, यानी हो जाएगा k का वैल्यू 1/2 और 1/2 का मतलब कितना 50%। बाकी आप डिटेल में भी बनाइएगा बन जाएगा, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए सारे लोग, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि शिवानी 600 रुपया में 5 पेन खरीदी, यानी सीपी बराबर दिया है कितना 600 रुपया, 600 रुपया सीपी है, 5 पेन का 5 पेन खरीदी 600 रुपया में और उसको बेच दी, वह इन 5 पेनों को 50 रुपये प्रति पेन, यानी एक पेन 50 में बेची बेचती है, 5 पेन बेचने पर शिवानी को, तो 5 पेन बेचेगी भाई, एक पेन अगर 50 में 50 रुपये प्रति पेन, यानी एक पेन अगर 50 में
तो पांच पेड़ का बताना है मूल्य, तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ। सबसे पहले तो 50 से पहले तो जीरो कटा लीजिए, जीरो से जीरो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए पांच से जाएगा कितना, 12 बार में, तो यानी 12 बार में हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यानी 12 रुपया सीपी, 5 रुपया आया, यानी कितने का लॉस हुआ, 7 का, और 7 का लॉस कितना पे, 12 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो बताइए 100 से गुणा करिएगा तो 7/12 गुणे कितना हो जाएगा, 0 0 700, यानी 700 कितना, 12, 4 से कटाइए 3 बार में, 4 से कटाइए, 4 × 4 3 पे 0, 4 × 7 28, 2 पे 0, 4 × 5 हो जाएगा, तो बताइए 3 × 4 कितना, 12, 3 × 4 12, सॉरी 3 × 4 3 × 5 15, 2 × 2 5, 3 × 8 24, 10.33, यानी 58.33% का लॉस हो जाएगा, 58.33% का लॉस हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग पढ़िए समझिए, क्या ये क्वेश्चन आप सबसे बन जाएगा बताना है। एक फल विक्रेता ने 72 फल 8 रुपये प्रति दर्जन, यानी 72 फल खरीदा 8 रुपये प्रति दर्जन से, 8 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, उसमें से 12 फल, अच्छा 12 फल का मतलब एक दर्जन, 12 फल का मतलब एक दर्जन, अब 72 फल का मतलब कितना, 12 × 72, यानी देखिए यहाँ पे 72 फल है, तो 72 फल का मतलब कितना दर्जन बताए, 12 × 6 6 दर्जन हो गया, यहाँ पे 6 दर्जन हो गया, ठीक है ना। अब बताइए एक दर्जन का सीपी देखिए, एक दर्जन का सीपी 8 रुपया, 6 दर्जन का 8 × 6 = 48, यानी 48 रुपया हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 12 फल सड़ गए, 12 फल का मतलब कितना हुआ, अरे 12 में 12 से भाग दीजिएगा तो कितना हुआ बताइए, 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन सड़ गए, तो 6 में से 1 दर्जन सड़ गए, 5 बच गए भाई, 5। अब बताइए शेष फल को उसने 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से, तो एक दर्जन अब बेचेगा कितना में, 15 में, एक 15 में कितना दर्जन है, 5 दर्जन, तो 5 दर्जन बताइए 48, रेशियो बना लीजिए, रेशियो पहले 3 से कटाइए, 3 से कटेगा 16 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 बचे कितना नहीं, 25, तो 16 से 25 कितने का प्रॉफिट, 9 का, और 9 का प्रॉफिट कितना पे, 16 पे, गुणे 100 कर दीजिएगा, अगर आप भाग लगाएंगे तो यहाँ 56.25% आपका आ जाएगा, 56.25% इज द राइट आंसर, तो क्या ये समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी बराबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया, एसपी बराबर दे दिया 360 रुपया, जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का, देखिए जो लॉस होती है ना, लॉस इज इक्वल टू एसपी का, क्वेश्चन बोल रहा है क्या जी, एसपी का 1/9 है, जो हानि होती है, जो ये लॉस होती है लॉस, जो ये लॉस होती है लॉस, वह एसपी का 1/9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस बटा एसपी, तो लॉस बटा एसपी 1/9, यानी 1 रुपये की हानि, और कितने रुपए के एसपी पे, 9 रुपये के एसपी पे। अब बात को समझना आप लोगों, ठीक है ना, यानी कि अगर हम सीपी की बात करें, तो एक बात समझिए आप लोग, सीपी की अगर हम बात करें तो 9 रुपया में इस मार्कर को मान लीजिए हम बेच रहे हैं, अब मन ही मन बहुत परेशान है, दुखी है कि हमको 1 का घाटा लग गया, 9 में बेचे 1 का घाटा लग गया, यानी 9 में बेचे हम आपको और 1 का घाटा लग गया, तो बताइए खरीदेंगे कितना में, 10 में। क्वेश्चन में आपसे बोला कि परसेंटेज लॉस बताइए, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू होता है कितने का लॉस, 1 का लॉस, और 1 का लॉस कितने की सीपी पे, 10 पर। हम आपको समझाए थे क्लास के शुरू में ही कि परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है हमेशा सीपी पे करते हैं, जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक हम लोग किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं, और जब कहा जाएगा तब हम किसी और चीज माने एसपी पे कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे 1 का लॉस है और यहाँ पे प्रतिशत हानि निकालना है, तो 1 का लॉस कितना पे, 10 पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट, 10% हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, बताइए क्या क्लियर है क्या। अब बताइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है ये। मजीद ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपए में खरीदी, इसकी मरम्मत अनुरक्षण पर 3,000 खर्च की। अच्छा 22,000 में खरीदी, 3,000 खर्च की, तो 25,000 लगा क्या बताइए, 25,000 लगा क्या बताइए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया, यदि वह इसे 500 रुपया कम में बेचता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, इसने 12% के प्रॉफिट में बेच रहा है। क्वेश्चन में बोला यदि इसको 500 रुपया कम में बेचता, अच्छा 500 रुपया कम में बेचता तो परसेंटेज कुछ घट जाता, बताइए घटता कि नहीं घटता। तो ये 500 रुपया जो 500 रुपया कम में बेच रहा है इसको परसेंटेज में बदल देते हैं, तो भाई 500 रुपया कम का लाभ होता, कम का लाभ होता तो 500 रुपया लाभ कितने पे, 25,000 पे, 25,000 पे गुणा अगर हम 100 कर देंगे तो कर देंगे तो बताइए 5 से कट जाएगा कितना बार में, ये 5×5=25, 1/50 और 25,000, 500 कम तो 500/25,000 गुणे 100 तो 2 0 गलत हो गया, कहीं ना कहीं 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 फिर बताइए। हाँ तो ये हम लोग यहां पे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है ना। देखिए तो ये 500 रुपया कम में बेचा तो इस 500 को परसेंटेज में बदल देते हैं, तो 500 सीपी है आपका 25,000, 25,000 गुणे कितना 100 है आपका, तो 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है ना। तो 25,000 का कितना परसेंट, 2%, यानी 2% हम पीछे गए, 500 का मतलब कितना परसेंट, 2%। तो बताइए 12% प्रॉफिट होने वाला था, 500 कम में बेचेंगे तो 2% कम प्रॉफिट होगा, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। बात आ रहा समझ में, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राधा, देखिए यहाँ पे एक जीरो अधिक आ गया है। राधा 10,000 रुपया में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपया में एक सेटर टेबल खरीदती है, कंप्यूटर टेबल और सेटर टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर टेबल है और यहाँ पे आपका सेटर टेबल है भाई, तो बताइए कंप्यूटर टेबल 10,000 में और यहाँ पे सेटर टेबल, सेटर टेबल कितना 5,000 रुपया में खरीदती है, राधा खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर, देखिए या इसको जो है 8% के लाभ पर, ठीक है ना, 8% लाभ पर, 8% के लाभ पर बेचती है, पूरे लेन देन में 10%। अच्छा इन दोनों को मिलाकर कितना परसेंट का लाभ होता है, 10% का, 10% का लाभ करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने परसेंट, या जो सेंटर टेबल है ना इसको कितने परसेंट का लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, आप सब लोग एलिगेशन के मेथड को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए एलिगेशन हम कैसे लगाएंगे भाई, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे रेशियो बना लीजिए आप, ठीक है ना, यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सेंटर टेबल कहीं पे 2 है, ठीक है, और आपका एसटी का वैल्यू सेंटर टेबल 1 है, इसका 8% प्रॉफिट है, इस पे जो होता है निकालना है और दोनों मिला के 10% का प्रॉफिट है। तो आप जानते होंगे एलिगेशन मेथड में कि ये 1 जो है इधर आ जाता है और ये 2 आपका इधर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप समझिए 8 से 10 एक यूनिट ज्यादा और 1 = 2, 1 = 2 तो 2 = कितना 4, 4 ज्यादा तो ये 14% हो जाएगा, ठीक है ना, ये 14% हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप मेरे दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं कि सेटर टेबल का दाम 2 रुपया है, एसटी का दाम 1 रुपया है, एसटी का दाम 1 रुपया है, कुल मिला के 3 रुपया, तो भाई 2 रुपया + 1 रुपया कुल मिला के 3 रुपया। अच्छा ये 2 पे 8% का प्रॉफिट है, ठीक है ना, और ये 1 पे माना कि 1% का प्रॉफिट है, और ये जो 3 है 3, इस 3 पे ये 10% का प्रॉफिट हो गया आपका। तो x बराबर हो जाएगा 10 * 3 = 30, 8 * 2 = 16, 30 में से अगर 30% में से अगर आप 16% माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14% आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है हो जाएगा 14%। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 संतरों का सीपी। देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि 15 संतरों का सीपी, यानी कि 15 संतरों का सीपी ले लीजिए इज इक्वल टू 14 संतरों का एसपी ले लीजिए, 14 संतरों का क्या ले लीजिए, एसपी ले लीजिए, बराबर है। देखिए जब कभी भी ऐसा इक्वेशन बने ना तो आप डायरेक्ट उल्टा भी लिख सकते हैं, सीपी एसपी लिख सकते हैं डायरेक्ट यहां पे, ठीक है ना। जैसे 15 संतरों का सीपी दिया है ना, तो 15 का सीपी है तो सीपी उधर चला जाएगा, 15 का सीपी सीपी उधर चला जाएगा, 14 संतरों का एसपी है ना, तो एसपी में 14 है तो 14 सीपी का वैल्यू हो जाएगा, एसपी का 14 इधर आ जाएगा, उलट देना है, रिवर्स आपको लिख देना है। अब रिवर्स लिखने के बाद देखिए कितने का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट कितना, 14 पे, और 1/14 7.17%, यानी आपका आंसर ये नंबर हो जाएगा। और इस बात को देखिएगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे लिखा हुआ है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, जब कभी भी ऐसा लिखे 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य एक पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अभी हम आपको समझाए कि 20 पुस्तकों का सीपी दिया हुआ है, 20 पुस्तकों का सीपी, 20 का सीपी तो 20 उधर चला जाएगा, एक पुस्तकों के एसपी तो यानी एसपी में एक्स आएगा तो एक्स इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना, बराबर है। यदि लाभ 25% हो, देखिए अगर कहीं भी लाभ अगर 25% लिखा है तो इसका मतलब 1/4 का लाभ होता है, अगर 25% लाभ है तो 1/4 का लाभ होता है। अब 1/4 का लाभ में आप बताए सीपी कितना, 4, और 4 पे 1 का प्रॉफिट हो जाएगा तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी सीपी 4 यूनिट और 4 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो हमारा एसपी कितना होगा, 5 यूनिट, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब बताइए, आप बोले कि 4 से 5 हो गया, अच्छा आपने बोला कि एसपी 5 यूनिट है, लेकिन आप बताइए यहाँ पे कितना है बताइए, तो 20 है, तो भाई 5/20 है तो 4 बराबर निकाल देंगे, 5/20 तो 4 बराबर निकाल देंगे हम लोग, तो ये जो निकल जाएगा ना, ये जो चार बराबर हम निकालेंगे, ये जो निकलेगा ना, ये किसका वैल्यू होगा, एक्स का होगा, तो 5/20 1/5, और आप बताइए 4 बराबर निकालिएगा तो 1/5 है, तो यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए तो बताइए, नहीं 5/20 5×4 = 20 तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 से गुणा यहाँ कर दीजिए तो बताइए 4×4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 4×16 यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए 12 पेनों का क्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है कि 8 पेनों के एसपी के बराबर है, आप इसको रिवर्स कर दीजिए भाई, सीपी बाई एसपी लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8/12, 4 से कटाइएगा 2 बार में, 4 से 3 बार में, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सीपी और एसपी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 12 पेनों का सीपी, सीपी के साथ 12 है तो ये एसपी का वैल्यू, 8 पेनों का एसपी, 8 पेन एसपी के साथ है, एसपी के साथ है तो ये सीपी का वैल्यू, आप कटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 का प्रॉफिट कितना पे, 2 पे, और 1/2 = कितना होगा, 50%, तो ये आपका 50% हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए यहाँ पे 80 संतरे बेचकर, यानी 80 का एसपी इजकल टू 95 संतरों का सीपी, 95 का सीपी बना दीजिए, या यहाँ पर डायरेक्ट उलार के लिख दीजिए सीपी और सीपी रेशियो एसपी, तो बताइए 80 को बेचकर तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, और यहाँ पे 95 का सीपी, यहाँ पे 95 आ जाएगा, बताइए कितने का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट कितने पे, 80 पे, ठीक है ना, और इसको कटा लीजिए आप तो 3 हो जाएगा, 5 कटेगा 16×5 = 80, 3/16, आप जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि 1/16 का वैल्यू होता है 6.25%, तो अगर हम बोले कि 3/16 बताइए तो बताइए 36×18 आइए हो जाएगा 75%, तो 18.75% ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए इसमें 19 नंबर में क्या लिख रहा है, यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय, देखिए 6% हानि का मतलब ना, जैसे मान लीजिए कि आपका जो सीपी है वो 100% है, भाई सीपी कितना है, 100 है, तो बीच में सीपी होता है 100%, अगर 6% हानि में बेचिएगा तो 6% पीछे जाएंगे, और अगर के बजाय 6% लाभ पर बेचे, 6% हानि के बजाय 6% लाभ में बेचे, 6% पीछे के बजाय
6% आगे बेचे हैं तो भाई 12% का डिफरेंस आ जाएगा, 6% पीछे 6% आगे 12 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 12% बराबर आपको दे रखा है कितना, 6 रुपया अधिक, तो 6 12 बराबर 6, तो 1% बराबर हो जाएगा 1/2 कितना जी, 2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तु का सीपी निकालिए, तो वस्तु का सीपी 100% होता है, तो 100% 1/2 करिएगा, 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना जी, 50 रुपया आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आप, 24% हानि, जैसे मान लीजिए आप समझिए यहाँ पे ये 100% है, 24% हानि माने 24 पीछे, ठीक है ना, हानि माने पीछे, 8% लाभ में परिवर्तित हो जाती है, मतलब 8% आगे। तो एक बात बताइए, 24% हानि 8% लाभ में परिवर्तित हो जाती है, 24% पीछे 8% प्रॉफिट में बदल जाती है, तो ये 24 और ये 8, 24 8 कितना 32, इन दोनों में 32 का गैप है, 24 आगे जाएंगे प्लस 8 आगे जाएंगे तो 32 का गैप है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 32% आपका, 32%, ठीक है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य में, पहले वाला विक्रय मूल्य यहाँ है, दूसरा वाला विक्रय मूल्य यहाँ है, इसमें बताइए 1920 की आपकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बताइए आप 32 से कटाइए आप लोग, तो लगता है 6 बार में जाएगा, तो 32 कट जाएगा ये 6 बार में, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 60, और 1% बराबर 60 हो जाएगा, तो वस्तु का सीपी निकालिए, वस्तु का सीपी कितना परसेंट हो जाएगा, 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 60 पे 00, यानी आंसर हो जाएगा कितना है जी, 6000। योर आंसर इज 6000, बी इज द राइट आंसर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या है ये। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में सारे लोग ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 20 किलो 45 रुपए प्रति किलो, देखिए 20 केजी खरीदता है 45 के भाव से, यानी कि 1 केजी का भाव 45, तो 20 केजी का पूरा करना पड़ेगा, तो 45 × 20 करिएगा, तो 45 × 20 यानी कि हो जाएगा 45 × 90, 900 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, 900 रुपया। अच्छा 25 किलो अगर 50 के भाव से देखिएगा, तो 25 × 5 = 125, यानी कि 1250 का ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और 35 किलो अगर 40 के भाव से करता है, तो 35 × 4 करिएगा, तो 140 पे आपका 0 आ जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। किधर से खरीदी, ठीक है ना, खरीदी का मतलब सीपी हो गया, ठीक है ना। अब जोड़िए इसको, तो 3 जोड़ यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 9 × 2 = 11, 11 × 4 = 15 आ गया, यहाँ पे 1 × 1 = 2 = 3 आ गया, 3550 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखिएगा, परिवहन पर उन्होंने 450 रुपये भी खर्च किए, परिवहन पे 450 रुपये खर्च किए भाई, तो 450 यहाँ जोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है ना, तो 450 हम यहाँ ऐड कर देंगे, अभी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 4, यानी हमारा टोटल सिर्फ इतना हुआ, इतना रुपया कॉस्ट लगा। यदि चीनी को 52.5 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा जाए, ठीक है ना, तो यानी एसटी का वैल्यू निकालिएगा, तो 52.5 रुपया, ठीक है ना, 52.5 रुपया। और कितना केजी है बताइए, तो यहाँ 20 केजी है, यहाँ 20 केजी चीनी है, यहाँ आपका जोता है, यहाँ 25 केजी है, और यहाँ पे 25 केजी, और यहाँ पे 35 केजी है, सबको जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 5 5 10 हाथ में एक बचा, ठीक है ना, 2 2 4 4 4 3 7 1 8 आ गया 80 केजी, यानी कि 80 केजी है 52.5 के भाव से बेचेंगे तो इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको गुणा कर लीजिए, चाहे नहीं कीजिए, ठीक है ना, करके देखिए कितना रहा। तो बताइए 1 2 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 8 5 40 का 0 4 हाथ में, 8 2 16, 16 4 20 हो गया 2, 8 5 40, 8 2 16 20, 2 8 5 40 तो कितना हो गया 42 हो गया, 0.2 अंक बाद लग जाएगा, यानी ये एसपी हो गया, यानी कि आप समझिए कि 4000 रुपया में खरीदा गया और इसको 4200 रुपया में बेचा गया, 4000 में खरीदे 4200 में क्या किए बेचे, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट कितने पे 40 पे, ये हो जाएगा कितना 1/20, और 1/20 का मतलब आप जानते ही होंगे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, 5% का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 22 में देखिएगा क्या है। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी, 1 रुपये में 3 टॉफी का मतलब ऐसे लिख देना है,
1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी, ठीक है ना, 50% के लाभ पर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचना चाहिए, 50% का लाभ। अच्छा 50% का लाभ का मतलब हो जाएगा 1/2 का लाभ, तो 2 रुपये का लाभ यानी हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, आ जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब होता है ना, 1/2 का मतलब होता है 1 रुपये में 2 टॉफी, 1 रुपये में 2 टॉफी के भाव से बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपये में 2 टॉफी के भाव से बेचना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर आप 23 देखिएगा, ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये में माल बेचता है। अच्छा ए बेचता है किसको, बी को बेचता है, ठीक है ना, 25% का लाभ, यहाँ से यहाँ 25% का लाभ है, तो 25% का लाभ का मतलब होता है भाई लोग, ठीक है ना, 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, ये 4 तो ये कितना होगा 5 हो जाएगा, 25% लाभ, 25% का मतलब 1/4, तो यानी ये 4 है तो 4 पे जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा लाभ, और 300 रुपये में माल बेचता है, और 300 रुपये में माल बेचता है यानी यहाँ का वैल्यू 300 आपका दे रखा है 300 रुपया, ठीक है ना। 20 से 10% हानि पर सी को बेचता है, तो बी से जो बी है ना इसे सी को बेच देता है, सी को बी सी को बेचता है 10% हानि पर, तो 10% हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 9 हो जाएगा, 10 9 हो जाएगा, बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना परसेंट के बराबर है, यानी हम लोग कंपेरिजन किसका किसका करना है, ए का कंपेरिजन किससे करना है, सी का करना है, ऐसा करना है। तो भाई आप ऐसे समझिए, ए रेशियो बी का वैल्यू यहाँ पे 4-5 है, उसके बाद समझिएगा बी रेशियो सी, बी रेशियो सी का वैल्यू, ठीक है ना, 10:9 कितना है 9 है, ठीक है ना, और आप समझिएगा यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10 चौका 40 हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 5 कितना 45 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है, तो सी का क्रय मूल्य 45, ए के क्रय मूल्य कितना 45, सी का क्रय मूल्य 45, ए का कितना 40 के कंपेरिजन में कितना परसेंट के बराबर है, यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप सॉल्व कर लिएगा लो तो ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, यानी 1/8, ये हो जाएगा आपका कितना 1+1/8 हो जाएगा, 1 का मतलब होता है 100 और यहाँ पर होता है कितना 12.5, तो आपका हो जाएगा 112% हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, ठीक है ना, 112.5% हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग इसको देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए एक वस्तु को बी को 20% हानि पर बेचता है, ए एक वस्तु को बी को 20% हानि पर बेचता है, तो यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, ठीक है, जो इसे आगे सी को 18% लाभ पर बेचता है। अच्छा सी को 18% के लाभ पर बेच रहा है, 18% के लाभ पर सी को बेच रहा है, बाद में सी इसे 10% लाभ पर डी को बेच देता है, डी को बेच देता है 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना, सी इसे 994 रुपये में, सी को 994 रुपये का लाभ होता है, उसमें क्या लिख रहा है सी को 994 रुपये का क्या होता है लाभ होता है, यानी सी को यहाँ से यहाँ का वैल्यू जो है ना, ये जो लाभ है ये 994 रुपये का लाभ है, 944 रुपये का लाभ है यहाँ पे, ठीक है, तो ए को कितनी हानि हुई इस बात का अंदाजा लगाना है आप लोग को, ठीक है ना, ए को कितनी की हानि हुई। तो सुनिए हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई कि 10% का वैल्यू इतना, तो यानी यहाँ का मूल्य हो जाएगा 94, ठीक है ना, 9440 हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि माना कि सी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 10% का प्रॉफिट पर अगर बेच रहा होगा तो सी का 100% है, 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 110 में बेचेगा, तो 10% प्रॉफिट, और 10% प्रॉफिट बराबर कितना 944, तो 100% इसका वैल्यू होता है, तो 944 में जीरो, तो सी का निकल गया वैल्यू, सी का क्रय मूल्य। हमको ए को खानी निकालना है ना, तो हमको पीछे आना है बस, ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर हम 100 मानेंगे तो ये 118 हो जाएगा, अगर इसको हम 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए, तो 100 से 118, तो यानी ये जो है 118 का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू हम यहाँ का निकालना चाहते हैं, बात आप समझ में, ये अगर भाई इसको अगर हम 100 मानेंगे तो 118 हो जाएगा, ये 100 है तो 118 है, इसका वैल्यू कितना होगा 9440, 100 118 से भाग देंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा, अब गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बात आ रही समझ में, ये तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब आप कटाइए,
आठ दूना सोलह, आठ तेरह चौबीस, आठ चौबीस बत्तीस, आठ पांच चालीस, आठ छह अड़तालीस, आठ सात छप्पन, आठ आठ अठाई चौसठ, आठ बार भी कट जाएगा लगता है, आठ बार में देखिए तो आठ में करिएगा तो आठ हो जाएगा, आठ हो जाएगा, आठ अठाई चौसठ का चार आएगा हाथ में छह, आठ एक आठ से बारह का कितना आएगा दो, आठ एक आठ नौ आएगा, तो नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक पहुंच गए हम, अब बताइए। हाँ पहले तो दो से कटाई लीजिए इसको, ठीक है ना। तो दो से कटाइएगा तो ये हो जाएगा, दो से कटेगा दो पांच दस बचेगा एक, नौ बार कटेगा, दो से कटाइए दो चौका आठ, एक बचेगा सात आएगा चौदह, फिर दो आ जाएगा फिर जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब आप भाग लगा के देख लीजिए ना कट रहा है क्या, सैतालीस सौ बीस है यहाँ पे, यहाँ उनसठ से आप भाग लगा के देखिए कट रहा है क्या, तो बताइए कितना बार हो जाएगा, पांच पांचा बार थे चालीस, आठ बार में जा सकता है क्या, आठ नवा बहत्तर, हाथ में सात आठ पांच चालीस, चालीस सात सैतालीस, तो ये अस्सी बार में कट गया भाई, ये आपका अस्सी बार में कट गया, एक जीरो आएगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, अस्सी बार में, तो ये हो जाएगा अस्सी बार में, तो यानी कट जाएगा अस्सी बार में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, इसका वैल्यू अस्सी गुणे सौ करिए और अस्सी गुणे सौ करिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आठ हजार हो जाएगा। अब बात समझिए, ये अगर सौ मानिएगा तो ये कितना मानिएगा, अस्सी, अस्सी बराबर आठ हजार, तो एक बराबर कितना सौ, तो बीस बराबर कितना, बीस गुणे सौ यानी दो हजार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दो हजार रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे किए, और भी तरीका है हम लोगों के पास, लेकिन बहुत ज्यादा हम हेडेक नहीं लेने का कोशिश किए। पहले ये दिया था कि यहाँ पे 10% का वैल्यू 944 है, तो ये 100 है तो ये 110 है, तो 10% अगर 944 है तो 100% के लिए जीरो बढ़ा देंगे तो ये निकल गया। अब देखिए ये अगर 100 है तो ये 118 है, अब 118 का वैल्यू 9440, ये का वैल्यू 9440 बटा 118 गुणे 100 कर देंगे तो 8000 है इसका। अब ये 100 है तो ये कितना 80 है, 20 माइनस है, तो 80 बराबर 8000, ये बराबर कितना 100, तो 20 बराबर 20 गुणे 100 करिएगा तो 2000, तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा, डी का मतलब होता है कितना 2000 आंसर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, पी एक वस्तु को 280 रुपया में खरीदता है और उसे क्यू को 25% लाभ में बेच देता है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में बोला है कि पी एक वस्तु को 280 रुपया में खरीदता है, 280 रुपया में इसको बेच देता है क्यू को, क्यू को बेच देता है, क्यू को 25% के लाभ पर बेच देता है भाई, 25% का लाभ पर बेच देगा, ठीक है ना, यहाँ पे 25% का लाभ पर बेच देता है। इसके बाद देखिए क्यू किसी लाभ पर इसे आर को बेचता है, क्यू किसी लाभ पर इसको किसको बेच देता है, आर पे कोई लाभ है, अब ये लाभ कितना परसेंट है नहीं पता, ठीक है ना, बेच देता है आर इसे एस को बेच देता है, आर इसे एस को 560 रुपये में बेच देता है, 560 रुपये में बेच देता है, यदि आर एस को बेचता है तो एस का जो प्राइस है ये वाला प्राइस ये 560 रुपया है, ठीक है ना, बेच देता है और 40% का लाभ प्राप्त करता है, और यहाँ से यहाँ आते हैं तो 40% का आपका क्या है लाभ भाई, 40% का यहाँ पे लाभ है, 40% क्यू ने कितना परसेंट लाभ पर लाभ अर्जित किया था, लगभग निकटतम पूर्णांक बताना है, लगभग कितने परसेंट का लाभ ही अर्जित किया था ये बताना आप लोगों को, ठीक है ना, तो समझने का प्रयास करिए भाई, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक कंसेप्ट को समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कहीं पैसे दे दिया जाए, कहीं ऐसे दे दिया जाए, हम एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कहीं 10% का लाभ है और कहीं मान लीजिए कि 12.5% का लाभ है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये 1/10 का लाभ है, इसको देखा जाए तो 1/8 का लाभ है, तो 10 पे 1 का लाभ होगा तो 11 हो जाएगा, 8 पर 1 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना 80, ये हो जाएगा कितना 99। अब इसमें देखिए ये हमारा फाइनल वैल्यू है, यानी अगर इंडिविजुअल लाभ को ऐसे लिख दिया जाए और लिखने के बाद से इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे ये आ जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा, एकदम इनिशियल और फाइनल हो जाएगा। अब इनिशियल फाइनल में कोई 1 लाख दे कोई 1 लाख दे और दूसरा लाभ निकालना हो, 1 दे देगा, जैसे हम 10 से इसमें भाग देंगे तो 8 निकलेगा, 11 से भाग देंगे तो 9 निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। हेलो, अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, हम एक दूसरा क्लास ले रहे थे, ठीक है। तो अब समझिएगा, अब इसमें क्या है ना कि जैसे ये
ये इनिशियल और फाइनल ओवरऑल दे दिया है, ये यहाँ पे इसका ओवरऑल वैल्यू दे दिया है ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर रेशियो बनाइएगा यहाँ पे तो बताइए 28 से ये हो गया 56, ये ओवरऑल है, जैसे ये ओवरऑल है वो है तो कटेगा 7 से कितना 7 चौक 28 बार में, 7 8 कितना 56 बार में, फिर कटा दीजिएगा तो ये दो बार में, मतलब एक अनुपात दो ओवरऑल आ गया। हम जैसे आपको क्या समझाए, हमको ये समझाए कि दो लाभ है और दो लाभ में से अगर दो लाभ में से फाइनल इनिशियल और फाइनल ओवरऑल पता हो पहला से भाग देगा तो दूसरा निकलेगा, दूसरा से भाग देगा तो पहला निकलेगा। तो यहाँ ओवरऑल निकल गया है ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम ये पहला से भाग देंगे 25% का मतलब कितना होता है 4 से 5 होता है, तो अगर हम इससे भाग दे देंगे 4 से 5 और साथ में 40% का मतलब होता है 2/5, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 5 से कितना 7, तो ये हम साथ में 5 से और अगर हम साथ मतलब 5 से 7 हो रहा है ओवरऑल में, जैसे 3 वैल्यू होता तो 3 वैल्यू होता ओवरऑल पता होता तो 2 को गुणा करके अगर 2 को से भाग देंगे तो तीसरा निकल जाता, तो वही बात है यहाँ पे। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, अब ये 7 आ जाएगा तो 7 यहाँ और यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 से 8 का मतलब 1 का प्रॉफिट ठीक है ना, और 1 का प्रॉफिट कितना पे 7 पे, तो भाई हो जाएगा 14.2/7%, यानी कि ये हो जाएगा आपका 14.2/7% हो जाएगा। चलिए इसके अलावा भी बहुत सारा टेक्निक है, ऐसा कुछ है नहीं ठीक है ना, लेकिन चलिए ये भी अच्छा है। एक और तरीका इसको आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि 280 रुपया में खरीदा है और क्यू को 25% लाभ पर बेच देता है, तो 280 का 25% निकाल दीजिए, तो 280 का 25% निकालिएगा तो 280 का 25% में बेच देता है यानी 5/4 में बेच देता है, तो 4 से 70 बार में 7 चौक 7 5 35 यानी 350 में बेच देता है, तो पी क्यू को बेच दिया 350 में। अब देखिए आर एस को 560 में बेचता है या 40% लाभ कमाता है, तो 40% लाभ कमा के अगर 560 में बेचता है तो 560 में बेचता है 40% का लाभ का मतलब हो गया 5 से 7, तो हमको पीछे जाना है, हमको पीछे जाना है यानी ऐसे जाना बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 5/7 7/56 हो जाएगा ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 300 350 से आपका हो जाएगा 8/40 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 से 0 5 कटेगा 7 बार में 5 कटेगा 8 बार में, तो 1/7 हो जाएगा, यहाँ 14.2/7% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है, 26 नंबर, 42 रुपया प्रति केजी मूल्य के कितने केजी चावल को 52 रुपया मूल्य के 50 रुपये प्रति केजी के साढ़े 7 केजी चावल के साथ मिलाया जाए। देखिए 42 रुपया पर केजी चावल के कितने केजी चावल को, यहाँ पे कितना केजी है ये निकालना है, कितने केजी चावल को 50 रुपया प्रति केजी के साढ़े 7 केजी यहाँ पे 7.5 केजी है ठीक है ना, मिलाया जाए कि मिश्रण को इस भाव से बेचने पर 18% का क्या हो लाभ हो जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन मेनली देखा जाए तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एलिगेशन से बनता है, जो भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का इस टाइप का होता है ना तो उसको एलिगेशन से बनाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो बताइए पहले चावल का मूल्य यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे, आप जानते होंगे कि जैसे यहाँ पे सीपी लिखते हैं तो यहाँ पे सीपी और यहाँ यहाँ जो मिक्सचर होता है ना यहाँ मिक्सचर का क्या लिखते हैं सीपी लिखते हैं और रेशो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मिश्रण का क्या दिया हुआ है, ये जो दिया है बेचने पर, अरे बेचने पर का मतलब ये सीपी नहीं क्या है एसपी है, तो हम पहले के 18% का लाभ होता है, तो देखिए 100% सीपी है तो अगर 18% का लाभ होगा तो 100% में 18% लाभ होगा तो 118% हो जाएगा, तो ये जो 53.10 है ना वो मिक्सचर का 118% है, सीपी निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेगा हमको ठीक है ना। अब सॉल्व करिए इसको, तो सबसे पहले 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब आप समझने का प्रयास करिए, निकालने का प्रयास करिए, तो ये कट जाएगा 2 5 9 बार में 59 बार में कट जाएगा, 5 × 10 = 9 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से कटेगा, 2 × 2 = कितना बताइए 4 बचा 1 6 का 12 1 5 10 1 5 हो गया ठीक है ना। अब देखिए 9 का पहाड़ा पड़ गया, तो अगर हम भाग लगा के देख लें 2655 में अगर हम मान लीजिए 59 से भाग लगाते हैं तो पहला भाग लगेगा 5 बार में, 5 9 45
नहीं लगेगा, पांच पांच पच्चीस, पांच बार में नहीं लगेगा, चार बार में लग जाएगा। तो नौ चौका छत्तीस का छ, हाथ में तीन, पांच तीन पांच चौका बीस, अब बीस तीन तेईस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पंद्रह में से छ हो गया। बताइए पंद्रह में से छ हो गया कितना हो गया, नौ हो गया, पंद्रह में से छ हो गया नौ हो गया, यहाँ बच जाएगा कितना बताइए चार, तो चार में से तीन का एक आ गया, इस पर आ जाएगा पांच आ जाएगा। अब आपको लगता है कि ये पांच बार में ले जाके देखिए, तीन बार में ले जाइए, बेचने का मतलब हो गया एसपी, तो ये एसपी ऊपर रहेगा, 18% का मतलब 118 रहेगा, गुणे कितना रहेगा 100 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो पांच यहाँ हो गया का एक आ जाएगा, तो पंद्रह पंद्रह नहीं पंद्रह में से छह का नौ हो गया, यहाँ हो गया पांच में से तीन का दो आ गया, 295, ठीक है ना। तो 295 अगर हम पांच बार में ले जाए तो देखे जाएगा क्या, 5 × 9 = 45 और 5 × 25 = 25, हाँ 29, ठीक है कट गया, तो ये कट जाएगा 45 बार में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया भाग देने के बाद ये 45 आ गया भाई, 45। अब आप एलिगेशन लगाइए, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बिहार एसएससी सचिवालय में आता है कि यहाँ पे जैसे दे देता है किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य देगा, और दोनों को मिलाने से जो मिश्रण यहाँ बनेगा ना, इस मिश्रण का जैसे यहाँ विक्रय मूल्य दिया विक्रय मूल्य दे देगा, आप परसेंटेज लाभ दे देगा या परसेंटेज हानि दे देगा। तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि से आप क्या निकाल दीजिएगा, सीपी एसपी, और वहां से सीपी निकल जाएगा, एसपी दिया तो सीपी निकाल दीजिएगा, और सीपी निकालने के बाद रख लीजिएगा। बताइए यहाँ घटाना होता है 50 में से 5, 50 में से 45 या 5 आ जाएगा, 45 में से 42 या 3 आ गया, 5 × 3 हो गया। अब एक बात को समझिए, 5 × 3 अभी आप बोल रहे हैं कि 3 है, लेकिन यहाँ पे दिया कितना 7.5, 25 या 75, 2.5 गुना है, तो यहाँ करिएगा 2.5 गुना, अगर 2.5 से यहाँ गुना करिएगा तो 125 आ जाएगा, यानी 12.5 kg आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 12.5 kg, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखना है यहाँ पर, 2800 रुपये में 32 कुर्सियां बेचने पर, ठीक है ना, 4 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य बताना आप लोगों को, तो कैसे करेंगे बताइए। अब देखिए 2800 रुपये में 32 कुर्सी बेचा जा रहा है, 2800 रुपये में 3200 कुर्सी बेचा जा रहा है, ठीक है ना, तो 2800 रुपये में 3200 कुर्सी बेच रहे हैं, तो एक कुर्सी का एसपी निकालिएगा, एक कुर्सी का एसपी निकालिएगा, तो बताइए 32 कुर्सी में 2800 रुपये लग रहा है, 2800 रुपये में बेच रहे थे, एक कुर्सी के लिए 32 से भाग दीजिए आप, कटा लीजिए आप लोग, 4 से कटाइएगा 8, 4 से 4 8 32, 4 से कटेगा 700 बार में, ठीक है ना। अब ये बताइए 4 से कटा लीजिए 2 बार में, 4 से कटाइए 4 × 4 बचेगा कितना, 3 × 3 = 0, 4 × 7 = 28, 2 × 2 = 0, 20 × 4 = 5, यानी 175/2 आ गया, 175/2 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर क्लियर है आप लोगों का। बताइए अब देखिए 32 कुर्सी बेचने पर 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है, ठीक है ना, यानी कि 32 कुर्सी बेच रहे हैं आप लोग, तो 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर, 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लेते हैं कुछ हम लोग, ठीक है ना, कि माना कि एक चेयर का लागत मूल्य सीपी बराबर 1 रुपया, ठीक है ना, तो बताइए 4 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। तो हानि बताइए क्या है, यहाँ पे एक कुर्सी का लागत मूल्य 1 रुपया, तो 4 कुर्सी के लागत मूल्य कितना है, 4 रुपया, 4 रुपये के बराबर हानि होती है। आप 32 कुर्सी बेच रहे हैं तो 32 कुर्सी खरीदे होंगे, तो सीपी का बात कीजिएगा, एक कुर्सी का सीपी अगर हम 1 माने हैं तो 32 कुर्सी खरीदे होंगे तो 32 रुपया। अगर हम एसपी की बात करें, ठीक है ना, एसपी की, तो ध्यान दीजिए एसपी क्या हो जाएगा भाई, 32 में खरीदे हैं और 4 का लॉस है, 32 में खरीदे हैं 4 का लॉस है, तो एसपी हो जाएगा कितना जी, 28 रुपया, एसपी हो जाएगा 28 रुपया। ये जो किए ना, ये थोड़ा सा
ये जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ एस पी बराबर कितना आ गया बताइए, 28 आ गया, ठीक है। अब बताइए 28 रिप्रेजेंट करता है 28 रुपए को, 28 रिप्रेजेंट करता है 28 रुपए को, एक रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 100 को, 100 को। तो कुर्सी का लागत मूल्य बताइए, कुर्सी का लागत मूल्य बताइए कितना हो जाएगा, एक कुर्सी का लागत मूल्य, एक कुर्सी का लागत मूल्य एक माने हैं यहाँ पे, एक माने हैं तो एक बराबर 100 हो गया तो 100 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, डी इज द राइट आंसर। एक बार और समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कि बेचने पर चार कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये वाला जो हानि है ना, इस वाले हानि का कंपेरिजन चार कुर्सी के लागत मूल्य से किया है, यानी हानि बराबर अगर हम मनी मन मान लेंगे एक कुर्सी के लागत मूल्य एक रुपया, तो चार कुर्सी का लागत मूल्य चार रुपया के बराबर हानि होती है 32 कुर्सी बेचने पर। अब बताइए ये 32 कुर्सी बेच रहे हैं तो 32 कुर्सी बाद में बेचेंगे, पहले तो कुर्सी खरीद कर आए होंगे, तो कुर्सी का अगर हम सीपी बोलेंगे तो सीपी 32 कुर्सी खरीदे होंगे, एक कुर्सी एक में खरीदे होंगे मान लिए हैं, तो 32 कुर्सी खरीदेंगे कितना में, 32 में, 32 में खरीदे चार का लॉस है, यानी एसपी कितना 28, 28 बराबर कितना 100, 2800 दिया है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 100, एक बराबर 100 हो जाएगा, तो हम एक चेयर का एक रुपया मान के चल रहे हैं तो एक बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इस बात को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, एक संगीत वादक जब किसी निश्चित मूल्य पर बेचा तो 20% का लाभ होता है, एक संगीत वादक जब किसी निश्चित मूल्य पर बेचा तो 20% का लाभ होता है, यदि उस मूल्य का तिगुना में बेचा होता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, एक बात बताइए, 20% का लाभ होता है तो 20% का लाभ होता है, इसका मतलब है कि 20% का लाभ का मतलब हो गया भाई 1/5 का लाभ, यानी संगीत का मूल्य अगर 5 है ना, सीपी अगर 5 है तो इसको बेच रहा होगा कितना में, 6 में, 5 का सामान 6 में बेचेगा 20% का लाभ हो जाएगा यदि उसे मूल्य का तिगुना में बेचा जाता। अच्छा मूल्य का तिगुना में बेचा जाएगा तो तिगुना का मतलब कितना में बेचा जाएगा, 18 में, ठीक है ना, बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बना देना है, तो बताइए लाभ कितने का हुआ, 18 में बेच रहे हैं, खरीदे हैं कितना में, 5 में, तो खरीदे हैं 5 में, 18 में बेच रहे हैं 5 में खरीदे हैं, तो बताइए 5 से देखा जाए तो घटाएंगे तो 18 में से 5 गया कितना हो जाएगा 13 का लाभ, 13/5 बोले कितना कर दीजिए 100, तो 5 से कट जाएगा बताइए 20 बार में, 13 × 26 260% आपका आ रहा है, 260%, तो 260% आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% लाभ का मतलब सीपी अगर 100% मानिएगा तो आपका जो एसपी होगा ना, जो आपका एसपी हो जाएगा 100% में 20% लाभ 120% हो जाएगा, यदि उस मूल्य का तिगुना में बेचा जाए, अगर इसका हम तिगुना में बेच दें, तिगुना मतलब कितना में, 360 में, तिगुना 12×36 360, तो बताइए 100 का सामान 360 में, तो यानी 260 बढ़ा के बेच रहा है तो 100 पे 260 का प्रॉफिट, यानी 260%, तो ये आपका 260% हो जाएगा। और इसके बाद 29 नंबर देख लीजिएगा, 29 नंबर, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% बताता है, अच्छा 20% बताता है का मतलब 1/5 बचाता है, 20% हानि माने 1/5 की हानि, 1/5 की हानि का मतलब 5/1 की हानि, और यहाँ 5 रुपया विक्रय मूल्य पर, यानी जो हानि है ना वो विक्रय मूल्य पर बताता है। देखिए प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा किस पर करते हैं, सीपी पर, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया कि हानि विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य पर 20% बताता है, तो उस केस में ये जो होगा ये क्या होगा आपका एसपी हो जाएगा, एसपी बराबर 5, ये बताइए क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस हो जाएगा। अब एक बात समझिए, हम इस मार्कर को 5 में बेचे, हम अनिमल उदास है, 1 का घाटा हो गया, यानी इसका मतलब इसका सीपी कितना होना चाहिए, 6 रुपया होना चाहिए, उसकी प्रतिशत लाभ क्या होगी, तो देखिए लॉस जो निकालते हैं ना, परसेंटेज लॉस, वो लॉस डिवाइड बाय सीपी होता है, और गुणे कितना होता है 100। तो एक बात बताइए 1 रुपया का लॉस यहाँ पे कितने के सीपी पे, 6 पे, और इसका वैल्यू याद है गुणे 100 करके निकालते हैं तो 16/2/3% आपका आंसर आ जाता है, आंसर इज बी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, तो बी आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे सभी लोग,
हाँ हेलो। हाँ सर हेलो, क्या बोले, क्या हो गया पता नहीं सर, हम तो नहीं किए, हम तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम बिहार से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का देखे क्या, आपका सुन लिए ना, 11:30 बजे प्लान किए थे, लेकिन आपका सुन ले कि आप जो है फिर हम वो बैच को टारगेट बैच को सामने कर दिए मैच के बाद, तो हम सुन लिए कि आप जो था है 1 बजे तक लेंगे, तो हम रिकॉर्डिंग करने लगे, सोचे प्रॉफिट लॉस से रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं बिहार एसएससी के लिए। इसका मतलब है कि या तो कमर, 1 मिनट, हमारे सिस्टम से तो कुछ हुआ नहीं है, या तो वैसे ही सब कुछ, मेरा तो ये खुला भी नहीं एक्चुअली, जानते हैं क्या क्या संजीव सब खोले होंगे चाहे राहुल खोला होगा यूट्यूब आई, क्योंकि मेरे में देखिए हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि वीडियो कॉल करते हैं, हम तो प्रॉफिट लॉस से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरा तो रिकॉर्डिंग का 2-3 घंटा चलेगा, मैच देखते हैं, लेकिन सोचे कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ले, बच्चों को कमिटमेंट किए हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कमेंट करते रहता है, अब होता कुछ नहीं है, तो सोचे कि पहले कर देते हैं, बिहार से सीधे वो डालेंगे चैप्टर, 5-6 चैप्टर इधर पढ़ा देंगे छुट्टी में, सर उससे सब्सक्राइबर आता है सर, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा से पढ़ा रहे थे, अच्छा ठीक है सर ओके, हाँ चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, आप लोग ये वाला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, 651 रुपये में बेचने पे 7% की हानि, तो 100% ये है, 7% की हानि का मतलब 93, 651 रुपये में बेचने पर, तो यानी ये 651 जो है 93 का वैल्यू, कर मूल निकालिए पूरे 100 कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है इसको देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, एक मोबाइल फोन इतना रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ 8.4% है, तो एक बात बताइए ये जो 59,620 रुपया ये एसपी है, 8.4% का लाभ है, तो ये हो जाएगा आपका 108, कितना जी 4% हो जाएगा, आप गुणे कितना कर दीजिएगा 100, तो ये कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा, इसको देखिएगा आपको क्वेश्चन में क्या बोला, 7% हानि पर बेचता है और यदि उसे 80 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 9% लाभ हो जाता, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले भी बताए 7% हानि माने 7 पीछे 80 रुपया ज्यादा 7% पीछे, आप ऐसे समझ लीजिए ये होता है आपका सीपी 100%, 7% पीछे माने 7 पीछे हो गया, ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में 80 रुपया ज्यादा में बेचा जाता, इसको 80 रुपया ज्यादा में हम बेचते, 80 रुपया ज्यादा में बेचते यहाँ पे तो 9% का लाभ होता, 9% का लाभ होता, ये सीपी है 9% का लाभ होता, तो यहाँ 9% ये वाला 9% हो जाता, 9%, तो 9% 7% 16%, 16% बराबर 80, 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मन ही मन, 7% लॉस पीछे और 9% प्रॉफिट आगे, 16 का डिफरेंस, 16 बराबर कितना 80, 1 बराबर 5, तो 500 हो जाएगा, ठीक है आइए इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिए आप लोग क्या है यहाँ पे, एक व्यापारी ने 20% की हानि पर बेची, यदि वो कलम को बालू के अधिक पर बेचता तो 10% लाभ होता, तो 20% हानि 20 पीछे 10% लाभ 10 आगे 30 का डिफरेंस, 30 बराबर 30% बराबर बताइए कितना 12 रुपये अधिक, ठीक है ना, क्रयमूल्य निकालिए, क्रयमूल्य का मतलब 100 होता है, तो बताइए 12 बटा 30% अब गुणे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, 3 चौका हो जाएगा 800 हो जाएगा कितना 40 रुपया, तो 40 रुपया ऐसे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है ये देखिए ये भी बन जाएगा 10% लाभ 15% की हानि हो जाएगा, तो बताइए 10% लाभ 15% अधिक 25 25 छक्का 150, 600 रुपये टाइप का कुछ आ जाएगा, देख लीजिएगा इसको देखिएगा 35 नंबर क्या है, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 10% कम में खरीदा होता 30 रुपये कम में बेचा होता, देखिए क्या है बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% लाभ पर बेचता है यानी 100 रुपये का सामान है, अगर 20% लाभ पर बेचता है तो 120 में बेचता है, सीपी अगर 100 है
तो 20% के लाभ में बेचता है, यानी एसपी इसका कितना 120 है, 10% कम में खरीदा होता। अच्छा 10% कम में खरीदा होता तो 10% कम में खरीदा होता तो 90 में खरीदा होता, ठीक है ना, 90 में खरीदा होता, 30 रुपया कम में बेचा बेचता। अच्छा पहले उसको बेच रहा है कितना में, इतना में, 30 रुपया कम में, तो ये रुपया है, 30 रुपया कम में बेचा होगा तो उसे 30% का लाभ होता। देखिए ये सब परसेंट में भाई, ये परसेंट है, ये भी आपका परसेंट है, ये भी परसेंट है, ये रुपया है, तो 120% में से हम 30 रुपया घटा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन बोला तो 30% का उसे लाभ होता, तो नया वाला जो ये है इस पे 30% का लाभ होता, तो 30% का लाभ होता तो 27 यानी 27 का लाभ होता, 27%, 90 में 27 जुड़ेगा 117% आ जाएगा, और आप देखिए 120 से 117 3% का डिफरेंस आएगा, बराबर 30 हो जाएगा। अब निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालिए, ये 10 आ जाएगा तो प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालिए, गुणे 10 कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 1000 रुपया हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, यदि एक टेलीविजन सेट 1 रुपया में बेचा जाता तो 28% की हानि होती है, 28% की हानि होती है, वाई रुपये में बेचा जाता है तो उसे 12% का क्या होता है, लाभ होता है। तो बोल रहा है कि वाई का एक से अनुपात निकालिए, वाई का एक से अनुपात निकालिए। देखिए सबसे पहले 1 रुपये में बेचा जाता है, एक्स क्या है आपका एसपी है, तो उसे 28% का हानि होती, तो 100% सीपी होता है, 28% घटा देना है, तो 100 में से 28 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 72% हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए वाई रुपया क्या है, ये भी एसपी है, बेचा जाता तो 12% का क्या होता, लाभ होता, 112% होता। आपको पूछ रहा है क्या चीज यहाँ पे निकालना बता दीजिए आप लोग, तो 112 वाई, वाई का एक्स अनुपात बताना है, यानी वाई अनुपात एक्स बताना है, तो ये बता यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72%, परसेंट से परसेंट चार से कटाइए, 4 × 8 = 3, 4 × 8 = 32 हो गया, यहाँ चार से कटाइए, 4 × 4 = 3, 4 × 8 = 32 हो गया, फिर कटाइए चार से, तो चार से कटाएंगे तो 7 बार में ये कटेगा, चार से नहीं कट रहा, 2 से कटाइए, तो 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 14 अनुपात कितना हो जाएगा, 9, तो 14 अनुपात 9 आपका डी आंसर हो जाएगा। इसको देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, 1170 रुपये में बेचा जाता है तो हानि 22%। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है यहाँ पे, जब एक पुस्तक को 1170 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत उस पुस्तक के 22% लाभ पर बेचे जाने के बराबर होता है, ठीक है ना। जब एक पुस्तक को 1170 रुपये में बेचा जाता है, यानी पुस्तक को 1170 में हम बेच रहे हैं, तो हानि प्रतिशत, तो हानि होती है, जो हानि प्रतिशत है उस पुस्तक के 22% लाभ पर बेचे जाने के बराबर होती है, यानी कि 22% का जो लाभ होता है ना, यही लाभ हानि में बदल जाता है जब 1170 में बेचते हैं, तो 1170 रुपये एसपी है। अच्छा ये जो हानि परसेंटेज है वो 22% लाभ पर बेचे जाने के बराबर है, तो 22% लाभ पर बेचेंगे तो 22% का लाभ हो जाएगा, तो हानि 22% करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, हानि 100 में से 20 गया 80, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। आप 17 से कटाइए, आप 13 × 6 = 78, 13 × 9 = 90, तो 6 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15 आ गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका। अगर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी हो जाएगा 100%, और 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यदि पुस्तक 1450 रुपये में बेची जाती, अगर पुस्तक 1450 रुपये में बेची जाती तो हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, ये तो गलत कर दिया, 13 कटाइए, 13 × 5 = 75, 13 × 6 = 78, 13 × 9 ये हो गया 0, 6 × 6 = 30, 6 × 6 = 30, 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 1500 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, अगर 1450 में बेची जाती, अगर 1450 में बेचेंगे तो क्या होगा, कितने की हानि होगी, 50 की, अब 50 की हानि कितना पे, 1500 पे, तो ये कट जाएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये हो जाएगा 5 से कटाइए, 3 बार में 5 कटेगा कितना बार में, 10 बार में, 10/3, 10/3 का मतलब हो गया, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3.3%, तो 3.3% बी आंसर हो जाएगा, बताइए। लॉस 1500 का सामान अगर बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे देख ही लीजिए आप, तो 1500 का सामान अगर हम बेच रहे हैं, 1500 का सामान अगर हम 1450 में, तो लॉस हो रहा है, लॉस, तो लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए
38 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 38 नंबर, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो देखिए ऐसे बोल रहा है, जैसे मान लीजिए सीपी है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 832 में बेचने पर, अगर हम 832 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो लाभ का मतलब सीपी से आगे बेचेंगे, अरे लाभ का मतलब सीपी से आगे बेचेंगे। उस वस्तु को 448 में अगर हम बेच रहे हैं, 448 में अगर हम बेच रहे हैं तो बेचने पर हुई हानि, तो ये हानि के बराबर है, हानि हो रही है माने ये, तो ये क्या है प्रॉफिट है, ये क्या है लॉस है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर है, 1:1 है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट भी 1 है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, ठीक है ना। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां प्रॉफिट और लॉस बराबर दिया हो तो ये सीपी बीच में होगा, और बीच का मतलब होता है एवरेज निकालना, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए भाई, एवरेज का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 448 प्लस 448 प्लस 832 कर दीजिएगा, जोड़िए जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12 हो जाएगा, अब बटा में 2 कर दीजिएगा तो 640 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे 640 आ जाएगा, 640, तो ये हो जाएगा 640 सीपी, ठीक है ना। एवरेज के लिए बाई 2 करना था तो बाई 2 यहाँ कर दिए, 640 हो गया। अब देखिए 640 रुपया सीपी है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% हानि, तो इसका 10% कितना होता है 64 रुपया हानि हो जाए, तो 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 3 13, 13 में से 6 गया तो देखिए कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 576 रुपया, तो यानी 576 रुपया आपका ये आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये क्लियर है क्या। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है, 39 सवाल में, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह 960 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। ये उस टाइप का है, 18% हानि 12% का लाभ, 30%, 30% बराबर 960, यानी 960 30% का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये कटा दीजिए आप, 0 से 0 3 से आएगा 32 बार में, ठीक है ना। तो यानी इसका सीपी निकल गया 3200 रुपया, 3200 निकल गया, 100% निकालिएगा तो 3200, अगर इसको 3840 में बेचा जाए, 3840 में बेचा जाता है तो लाभ निकालिए, लाभ के लिए रेशियो बना लीजिए पहले आप, 2 से कटा दीजिए ये हो जाएगा 16, 160, 2 से कटाइए 38 का 19 हो जाएगा, 192 हो जाएगा, आप 16 से कटा दीजिए, 16 से कटेगा 10 बार में, 16 16 16 32 बार, फिर 2 से कटा दीजिए, 5 से कितना हो गया 6, तो ये का प्रॉफिट कितने पे 5 पे, और 1/5 बराबर 1/5 बराबर कितना 20% हो जाएगा आपका। आइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको क्या लिख रहा है इसमें, देख इसमें लिख रहा है कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है उसको 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% का मूल्य में खरीदा होता। देखिए वही बात हो गया, 100 में 100% में खरीदता है उसको जो है 10% लाभ, यानी 110% में क्या करता है बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% का मूल्य में खरीदा होता तो 20% का मूल्य में खरीदा होता तो ये आपका हो जाएगा 80% हो जाता, ठीक है ना। खरीदा होता माने सीपी होता, ठीक है, खरीदा होता 1000 अधिक में बेचता, पहले बेच रहा था 110 में 1000 रुपया अधिक में बेचता, तो ये हो जाता आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या लिख रहा था, उसे 40% का लाभ होता, अच्छा 40% का लाभ होता, अब सीपी नया वाला ये, इसका 40% निकाल लीजिए तो 80% का 40% 2/5 कर दीजिएगा, 5 कट जाएगा, 16 5 3 16 16 32% यहाँ लाभ हो जाता, तो बताइए जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 112% हो जाएगा, तो यानी यहाँ से 110 पावे अब 112 तो 2% बराबर हो जाएगा कितना 1000, और 2% 1000 तो 1 बराबर कितना 500 हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य कितना बताइए 100 यूनिट, और इस 100 गुणे 500 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा बताइए 50000 आंसर आ जाएगा। आइए इस बात को समझते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, 41 नंबर में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, 18% यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे, 144 ऐसे समझिए ना कि 18% हानि पर बेचता है, अब विक्रय मूल्य यहाँ है, अब नए वाला विक्रय मूल्य यहाँ है, यदि विक्रय मूल्य को कितना रुपया बढ़ा दे, पहले विक्रय मूल्य यहाँ एसपी, अब नया वाला एसपी यहाँ आने वाला है, 144 रुपये यहाँ बढ़ा दे विक्रय मूल्य को, 144 बढ़ा के यहाँ पर बेचे, ठीक है ना। तो उसे 30% तथा मूल्य को 30% घटा दे,
तो आप वहां ये वही टाइप का क्वेश्चन है, आप ऐसे ही कर लीजिए। देखिए ना यहाँ पर बोल रहा है कि सीपी 100% है, मान लीजिए सीपी 100% है, ठीक है, 18% हानि में बेचे, तो 18% हानि में अगर बेचेगा तो 18% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 82% में बेचे, 82% में बेचे भाई एसपी करे। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपया में बढ़ा दे, विक्रय मूल्य 144 बढ़ा दे, 144 रुपया क्या करे बढ़ा दे, तो बढ़ा देगा तो ये नया हो जाएगा, ठीक है ना, ये न्यू हो जाएगा। मूल्य को 30% घटा दे, ये जो मूल्य है इसको 30% घटा दे, तो 30% घटा दे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 70% हो जाएगा, ठीक है। 20% का लाभ प्राप्त होता, अब इसको 20% लाभ प्राप्त हो तो 10% का वैल्यू 7, 20% का वैल्यू 14 आ जाएगा, तो जुड़ेगा तो 84 हो जाएगा यहाँ पे। तो बताइए 82% से 84% होने में 2% का डिफरेंस है, तो 2% बराबर हो जाएगा 144, 1% बराबर कितना हो जाएगा 72। तो विक्रय मूल्य कितना है, मूल्य विक्रय मूल्य निकालिए, तो बताइए 2% 144, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 72, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 82% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 82% इसका है, तो 82% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 गुणे कितना है जी 72, अब गुणा कर देना आप लोगों को, ठीक है ना। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसका डिजिटल सम देखिएगा तो 7, 2, 9, 10 से 0 है, इसका तो 0 आएगा नहीं, इसका डिजिटल सम 6 है, इसका इकाई में देख लीजिए ना 2 × 4, 4 वाला हो जाएगा, ये 4 वाला है, इसका डिजिटल सम 9 है, इसका देखिए तो 6, 4, 10, 6, 3, 9, इसका डिजिटल सम 4 है, इसका डिजिटल सम 0 है, तो आपका बी आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा निकाल के, ठीक है। अभी सोच समझिए आप 42 नंबर, एक आदमी अपने बाइक को 25% लाभ पर 25,000 रुपए में बेचता है, वह किस मूल्य पर उसे बेचा है यदि 15% की हानि हुई, तो आसान क्वेश्चन बना लीजिएगा, 25% लाभ में इतना, तो 25% माने 125%, यानी ये जो 25,000 की वैल्यू है 125% की वैल्यू है, 125% की वैल्यू है, मूल्य किस मूल्य पर बेचे यदि उसे 15% हानि, 15% हानि माने कितना 85%। अब देख लीजिएगा लगता है ये आंसर आएगा कि उसमें 17 है, इसमें भी 17 है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस बात को, इसको समझते हैं क्या, 16% हानि में बेचता है, 660 आदमी को बेचता है, 8% का लाभ होता है, ठीक है ना। ये आसान है बना लीजिए, अभी हम ऐसे बताए थे क्वेश्चन आपको। 44 देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तु 490 रुपया में खरीदता है, 490 में दो वस्तु, उसने एक वस्तु को 20% हानि पर, दूसरी को 16% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो पहला को बोल रहा है कि 20% की हानि पर, पहला को 20% की हानि पर, दूसरे वस्तु को क्या बोला कि 16% के क्या चीज लाभ पर, ये हानि पर ये लाभ पर बेचा। दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है समान है, ठीक है ना। तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए हम ऐसा मान लेते हैं, दो वस्तु का सीपी, माने कहने का मतलब क्या है कि दो वस्तु का सीपी 490 है, तो सीपी 1 प्लस सीपी 2 इक्वल टू कितना दिया है 490 रुपया दिया है। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर, पहले वस्तु को 20% हानि पर, यानी जो सीपी 1 है इसका 20% हानि पर, यानी 80% में बेचेगा, ठीक है। दूसरी वस्तु को जो सीपी 2 है इसको बताइए 16% लाभ पर, यानी 116% में बेचेगा, ठीक है ना। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, ये पहले वस्तु का, ये दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है समान है, तो ये सीपी 1 अपॉन यहाँ से सीपी 2 निकल गया, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ से हो जाएगा आपका 116 बटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, तो कटा कर देखिए यहाँ पर आपको, तो सबसे पहले तो 4 से कटाइए, 4 से कटेगा 20 बार में, ये 4 से कटेगा 4 × 8 बचेगा 3, 4 × 9 = 36, यानी ये हो गया आपका 29, अनुपात कितना हो गया भाई 20 हो गया, 29 अनुपात 20 हो गया। देखिए 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 20% हानि माने पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, यानी 29 का मल्टीपल, तो 29 का मल्टीपल तो यही दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो बताइए आप कैसे करिएगा, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, पहला का सीपी दूसरा का सीपी दोनों मिला के 49 बराबर ये 1 बराबर कितना 10, 1 बराबर 10 तो 29 बराबर हो जाएगा ये 290 हो जाएगा। इसको देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन देखना है, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में दो घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर 15% लाभ होता है परंतु दूसरे पर 15% हानि होता है, ठीक है ना। तो
पूर्व व्यापार में कितना लाभ हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, देखिए दो घोड़ा जब कभी भी हो, जब कभी भी एसपी बराबर एसपी वन बराबर एसपी टू हो, यहाँ पे देखिए दो घोड़ा प्रत्येक 14,000 रुपये मूल्य में बेचता है, प्रत्येक को 14,000 के मूल्य में क्या करता है, बेचता है एसपी वन बराबर एसपी टू हो। अब पहला पे अगर एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो, दूसरे पे एक्स परसेंट का लाभ हो, सॉरी एक्स परसेंट प्रॉफिट हो, एक्स परसेंट लॉस हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 100% का क्या होगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। या पहला पे एक्स परसेंट का क्या हो, लॉस हो, और दूसरा पे एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो, तो भी उसमें एक्स स्क्वायर बटा 100% का क्या होता, हानि होता है। इसको याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब एक बात समझिए, यहाँ पे क्या बोला, उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो बताइए यहाँ पे कितना फिर दिया है, 15% लाभ, दूसरे पे 15% हानि, तो यानी 2.25 क्या हो गया हानि, 15 का स्क्वायर 225 बटा 100 करेंगे तो 2.25 निकल जाएगा। इसको देखिएगा, अब यहाँ भी वही बात है, 4500 में बेचने पर एक पर 6% लाभ और दूसरे पे 6% हानि, तो 6 स्क्वायर 36 और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 10.36% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। इसको देखिएगा आप लोग, राधा ने 57,300 रुपए में फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदी, फ्रिज को 15% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा, दोनों का कीमत समान में बेचा। तो बताइए फ्रिज का मूल्य मान लीजिए x मारा, तो x का 15% लाभ 115% हो जाएगा, और दूसरे का मूल्य y माना, तो y का 24% हानि माने 24% हानि माने कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 100 में से 24 गया, 76 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 23 कटाइए, 23 तो कट नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, 5 1 6 7 हाँ, तो बोला वॉशिंग मशीन का कीमत बताइए, ठीक है ना, पहला वाला फ्रिज है, ये फ्रिज है, ये आपका फ्रिज है, ये आपका क्या चीज है, वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ एक्स बटा वाई निकालिए, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा 76 बटा कितना, 115 हो जाएगा 76, तो बताइए कटेगा क्या, ये 37 है, 37 से कटाइए, 76 का आधा 38 × 76 19 तो कटेगा नहीं, यही आ रहा आपका, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ के देखिए थोड़ा सा, सीपी वन सीपी टू 6 5 11 और यहाँ पे 11 7 18 1 19 हो जाएगा, इतना का सीपी दोनों मिला के, और दोनों का सीपी यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो दिया है वो 573 पर 00 दे रखा है, देखिए 00 दिया हुआ है, तो अब देखिए कितना बार में जाएगा, 19 4 19 2 19 57 तीन बार में जा रहा है, तीन बार में 3 × 3 और 19 3 57 तो 300, 1 = 300 हो गया। आपसे बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालिए, तो वॉशिंग मशीन वाई है, तो वाई का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू इसमें 300 से गुणा करिए, तो 300 से गुणा करिएगा तो ये 0 0 आ जाएगा, 5 3 15 का 5 हाथ में 1 11 33 1 34 हो जाएगा, 34,500 हो जाएगा, तो 34,500 ये इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 प्रदीप विपिन को दो वस्तुएं प्रत्येक 5,000 रुपये के साथ पूरे सौदे में नहीं लाभ नहीं हानि के साथ बेचता है, प्रदीप विपिन को दो वस्तुएं प्रत्येक 5,000 रुपये में बेचता है, 5,000 रुपये वस्तु में बेचता है, ठीक है, यानी देखिएगा आप लोग दो वस्तुएं यहाँ पे, और दोनों वस्तु का एसपी क्या है बताइए, दोनों वस्तु का एसपी कितना है बताइए, 5,000 रुपया है, यानी एसपी वन बराबर एसपी टू दिया हुआ है। अच्छा पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, यदि पहला वस्तु पे 16 से 1/6% हानि होती है, 1/6 की हानि होती है, इसका मतलब क्या है कि सीपी अगर 6 रुपया है ना, 1 रुपया की हानि होती है, तो यानी यहाँ पे एसपी की बात करिएगा, अगर 1 रुपये की हानि होती है तो यहाँ पे एसपी कितना हो गया बताइए, तो बताइए 6 रुपया में 1 रुपया का हानि हो जाएगा, तो 6 में 1 का हानि हो जाएगा, तो पहला वस्तु पे 6 रुपया में 1 रुपया हानि, तो दूसरे पे 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में लिख रहा है कि नहीं लाभ नहीं हानि का मतलब 1 का इसमें लॉस हुआ, इसमें 1 का प्रॉफिट होगा। अब बताइए दोनों वस्तु का एसपी इक्वल है भाई, दोनों वस्तु का एसपी इक्वल है, तो यहाँ 6 रुपया में 1 रुपया, इसका एसपी कितना आ गया, 5 रुपया, और इसका एसपी भी, इसका एसपी कितना है, 5 रुपया, दोनों का एसपी इक्वल है, 5 रुपया 5 रुपया। अब समझिए 5 रुपया में बेचता है, 1 रुपया प्रॉफिट कमाया तो कितना हो गया सीपी, 4 रुपया,
ये 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 25%। आइए इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, एक पे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 13% की क्या होती है, हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है, दो वस्तुएं में से प्रत्येक को 1,005 रुपए में बेचा गया, विक्रेता को पहले पे 15%, देखिए पहले पर जब कभी भी SP1 बराबर SP2 हो, SP1 बराबर SP2 हो, ठीक है ना, और पहले पे X% और दूसरे पे क्या हो Y% हो, तो एक फॉर्मूला होता है भाई,